हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद द चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑफ 11 साइंस एक्सरसाइज 1.1। इन प्रीवियस लेक्चर वी लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, डेफिनेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, पावर्स ऑफ आई। सो यूजिंग ऑल दीज प्रॉपर्टीज वी गोइंग टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज 1.1 एग्जाम्पल नंबर 1 दैट इज सिंप्लीफाई। तो एग्जाम्पल है दैट इज रूट ऑफ -16 प्लस 3 रूट ऑफ -25 प्लस रूट ऑफ -36 माइनस रूट ऑफ -625। तो हमें ये सिंप्लीफाई करना है। तो मैंने क्या किया है मैं यहाँ पे बताती हूँ। तो ये -16 जो है उसको हमने स्प्लिट अप किया है। तो जो 16 है वो यहाँ पे मैंने रूट में लिखा है इनटू ये जो नंबर है वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको लिखा के दिखाती हूँ दैट इज -16। यहाँ पे कोई नंबर नहीं होता है, मतलब क्या होता है 1 भी होता है उसके साथ। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 16 को एक रूट में हम लिख सकते हैं और ये जो -1 है इनटू करके हम दूसरे रूट में लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से मैंने इस नंबर का स्प्लिटअप किया है। तो हर एक एग्जांपल में हमें ये ऐसा करना है। तो 16 इंटू रूट ऑफ -1 इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं दैट इज़ 3। ये रूट 25 हम पॉजिटिव नंबर जो है वो हम स्क्वायर रूट में लिखेंगे और ये माइनस साइन 1 को देके वो उसको सेपरेट लिखेंगे। सेम यहाँ पे 36 रूट में और इंटू रूट ऑफ -1, ये 1 है यहाँ पे माइनस। अब ये जो नंबर है इसके लिए भी हम रूट 625 इंटू रूट -1। एंड अभी आपको ये पता है कि इस चैप्टर में हमने ये सीखा है दैट इज़ रूट ऑफ -1 इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू द इमेजिनरी नंबर दैट इज़ आई। एंड सो जहाँ जहाँ पे हमें ये ऐसा दिख रहा है इसके बदले हम क्या लिखेंगे आई। तो आपको पता है कि रूट ऑफ 16 इज़ नथिंग बट द 4 आई प्लस 3 इंटू 5 इंटू आई प्लस 6 इंटू आई, इसका स्क्वायर रूट है 6 एंड इसके बदले लिखा है आई माइनस यहाँ पे रूट 625 है तो इसके लिए हम लिखेंगे 25 इंटू आई। तो 4i प्लस 5 3 15i प्लस 6i माइनस 25i। तो यहाँ पे हर एक का एडिशन मैंने किया है दैट इज़ 6 प्लस 4 दैट इज़ 10 प्लस 15 दैट इज़ 25i माइनस वाला ये 25i, तो दोनों कैंसिल हुए, आंसर इज 0। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, सिर्फ आपको ये ढूंढना है अच्छी तरह से कहाँ पे -1 हमें दिखाई दे रहा है, इसके बदले हम सिर्फ i लिखेंगे, बाकी कुछ नहीं है इस एग्जांपल्स में। नाउ सी द सेकेंड एग्जांपल। तो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है दैट इज़ 4 रूट ऑफ -4, इसके जैसा ही है 5 रूट ऑफ -9 माइनस 3 रूट ऑफ -16। तो हम कैसे स्प्लिट अप करेंगे देखो। तो 4 एज इट इज़ ये -4 को हम लिखेंगे दैट इज़ रूट 4 इंटू रूट ऑफ -1 प्लस 5 रूट ऑफ -9। सो रूट 4 इंटू रूट ऑफ -1 प्लस 5 रूट 9 इंटू रूट ऑफ -1 माइनस 3 रूट 16 इंटू रूट -1। -1 मैंने इसमें से स्प्लिट अप करके बाहर निकाला है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, इसके बदले दैट इज़ रूट ऑफ -1 के बदले हमें आई पुट करना है। सो 4 एज इट इज़ द स्क्वेयर रूट ऑफ 4 इज़ 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा रूट ऑफ -1 के बदले हम लिखेंगे आई। सो 5 स्क्वेयर रूट ऑफ 9 इज 3, इसके बदले आएगा आई। नेक्स्ट वन 3 एज इट इज़ रूट ऑफ 16 दैट इज़ 4 इंटू आई सिंस रूट ऑफ -1 इज इक्वल्स टू आई। तो यहाँ पे 4 टू ज़ार 8 आई प्लस 5 थ्री ज़ार 15 आई एंड 4 थ्री ज़ार 12 आई, तो यहाँ पे हमें टोटल मिला के 23 माइनस 12, सो द आंसर इज 11 आई। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1। नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन। सो राइट द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिए गए और उसके कंजुगेट हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो कंजुगेट में हम क्या करते हैं, सिर्फ वी गोइंग टू चेंज द साइन ऑफ द इमेजिनरी नंबर। तो जहाँ पे आई अटैच है उसका जो साइन है वो हमें चेंज करना है। तो 3 प्लस आई उसका जो कंजुगेट होगा वो क्या होगा, 3 माइनस आई। 3 माइनस आई दिया है तो उसका कंजुगेट हुआ 3 प्लस आई। सो माइनस ऑफ रूट 5 माइनस ऑफ रूट 7 आई। तो इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये है, इसका साइन क्या है माइनस, तो इसको हमें चेंज करना है वो प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट वन, अब ये देखो
माइनस ऑफ रूट ऑफ माइनस फाइव, इतना ही नंबर हमें दिया है। तो पहले हमें इसको इमेजिनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। इमेजिनरी नंबर मतलब यहाँ पे हमें आई अटैच करना है। तो ये हम कैसे स्प्लिट अप करते हैं, ये माइनस साइन एज इट इज़, यहाँ पे माइनस ऑफ सॉरी रूट ऑफ माइनस फाइव हम कैसे स्प्लिट अप करेंगे, रूट फाइव इंटू रूट ऑफ माइनस वन, इसके बदले हम क्या लिखते हैं आई, तो माइनस रूट फाइव आई। अब ये देखो ये है इमेजिनरी नंबर सिंस आई इज अटैच टू इट, एंड सो वी गोइंग टू चेंज द साइन ऑफ दिस वन, सो माइनस बिकम प्लस। तो ये चेंजेस आपको एग्जांपल में करने हैं। अभी देखो फाइव आई इसका साइन जो है वो है प्लस, इसका कंजुगेट होगा माइनस फाइव आई। अभी रूट फाइव माइनस आई इसका होगा रूट फाइव प्लस आई। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे है तो इसका साइन चेंज होगा, तो ये प्लस होके प्लस जाके बदल के यहाँ पे माइनस होगा। सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें दिया है दैट इज फाइंड ए एंड बी इफ ए प्लस टू बी प्लस टू ए आर इज इक्वल्स टू फोर प्लस सिक्स आर। मतलब हमें यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है ऐसे दिया है, यहाँ पे इक्वल टू साइन है ना, तो मतलब क्या है इसका, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पे आई दिखाई दे रहा है यहाँ पे है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमें इक्वल है ऐसे दिया है, तो हम इसको कंपेयर करेंगे इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, और इसके बाद हम इसका ए एंड बी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने जहाँ पे अंडरलाइन की है यहाँ पे वो है इमेजिनरी पार्ट एंड द रिमेनिंग इज द रियल पार्ट। तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट जो है वो हम इक्वल दिखाएंगे, सो टू ए इज इक्वल्स टू सिक्स, सो ए की वैल्यू होगी थ्री। नाउ वी गोइंग टू पुट डाउन दिस वैल्यू हियर, बिफोर दैट वी राइट दैट इज ए प्लस टू बी इज इक्वल्स टू फोर। नाउ वी गोइंग टू पुट डाउन द वैल्यू ऑफ ए हियर, सो ए इज थ्री प्लस टू बी इज इक्वल्स टू फोर, सो टू बी ये थ्री यहाँ पे जाके माइनस होगा फोर माइनस थ्री, सो टू बी इज इक्वल्स टू वन एंड सो बी इज इक्वल्स टू हाफ। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। द नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट इज ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी आई इज इक्वल्स टू ए प्लस फाइव आई। तो यहाँ पर भी हमें कंपेयर करना है रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो पहले मैंने इमेजिनरी पार्ट को अंडरलाइन किया है एंड द रियल पार्ट इज ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए, सो दिस इज माई रियल पार्ट एंड नाउ द इमेजिनरी पार्ट दैट इज ए प्लस बी इज इक्वल्स टू फाइव। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए, तो यहाँ पे ए कैंसिल होगा, सो माइनस बी इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब बी इज इक्वल्स टू जीरो। एंड नाउ वी गोइंग टू पुट डाउन दिस वैल्यू ऑफ बी इन दिस इक्वेशन दैट इज ए प्लस बी इज इक्वल्स टू फाइव, बी इज जीरो एंड सो ए इज इक्वल्स टू फाइव। सिमिलरली सी द थर्ड एग्जाम्पल। तो ए प्लस बी यहाँ पे इन टू साइन है टू प्लस आई बी प्लस वन प्लस टेन प्लस टू ए एंड ब्रैकेट के आउटसाइड में है आई। तो पहले हमें क्या करना है, सिंस देर इज अ प्रोडक्ट सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस, सो ए यहाँ पे टू को मल्टीप्लाई करेगा, बाद में वो आई को मल्टीप्लाई करेगा, आफ्टर दैट बी मल्टीप्लाई विथ टू एंड आफ्टर दैट विथ आई। तो हम देखते हैं क्या मिलता है हमें, तो ए इंटू टू दैट इज टू ए प्लस ए आई प्लस टू बी प्लस बी आई इज इक्वल्स टू दिस थिंग्स आर एज इट इज, दिस टर्म्स आर एज इट इज। मैंने यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट पुट डाउन किया। तो अभी यहाँ पे जो रियल नंबर्स है उसके हम एडिशन कर सकते हैं, दैट इज़ टू ए प्लस टू बी मैंने एक ब्रैकेट में लिया है एंड यहाँ से आई कॉमन करके मैंने लिया ब्रैकेट में ए प्लस बी आई। तो अब यहाँ पे आके हम रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो कंपेयर किया, तो ये इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट में ए प्लस बी इज इक्वल्स टू मुझे क्या मिलेगा टेन प्लस टू ए एंड यहाँ पे टू ए प्लस टू बी इज इक्वल्स टू बी प्लस वन। तो मैंने यहाँ पे कैसे सॉल्व किया, ये टू बी मैंने ऐसे ही रखा है, माइनस बी यहाँ पे लेके आए, सो वन एज इट इज़ एंड टू ए यहाँ पे लिया, सो टू बी में से वन बी कैंसिल होगा, तो बी इज इक्वल्स टू वन माइनस टू ए एंड यहाँ पे बी इज इक्वल्स टू टेन प्लस टू ए, यहाँ का ए मैंने यहाँ पे ले लिया, तो टू ए से ए कैंसिल होगा, तो यहाँ पे सिंगल ए मुझे मिलेगा, सो बी इज इक्वल्स टू टेन प्लस ए। दोनों पे दोनों जगह पे मैंने बी का वैल्यू फाइंड आउट किया है, तो दोनों इक्वेशंस यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं तो लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम होगी, तो वन माइनस टू ए इज इक्वल्स टू टेन प्लस ए। तो यहाँ पे आके हम इस टेन को मैंने यहाँ पे ले लिया है, तो
वो माइनस होगा और ये 2a माइनस है, यहाँ पे आके वो प्लस होगा। तो 1a प्लस, यहाँ पे कोई नहीं मतलब 1 है, तो 1a प्लस 2a दैट इज 3a इज इक्वल्स टू माइनस 9। सो a इज इक्वल्स टू बाई डिवाइडिंग विल गेट योर माइनस 3। एंड नाउ वी गोइंग टू पुट डाउन दिस वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू माइनस 3 इन एनी ऑफ दिस टू इक्वेशन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b। तो मैंने ये इक्वेशन ले लिया दैट इज b इज इक्वल्स टू 10 प्लस a। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एज अ माइनस 3, तो 10 माइनस 3, सो द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल्स टू 7। तो 5 एग्जाम्पल्स है इस क्वेश्चन में। तो अगर आपको ये अपने ये अच्छे से समझ लिया हो तो आप 4 एंड 5th एग्जाम्पल खुद से भी कर सकते हो। सो हियर वी स्टॉप दिस क्वेश्चन नंबर 3। द रिमेनिंग एग्जाम्पल्स यू हैव टू सॉल्व बाय सेल्फ एंड द रिमेनिंग एग्जाम्पल्स विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।